आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज़ गौतम सहदेव एंड आई एम फ्रॉम चंबा, हिमाचल प्रदेश। आज से 2 साल पहले मैं अपनी मदर के माध्यम से गोलक एक्सप्रेस के साथ जुड़ा था और आज इसी प्लेटफॉर्म की वजह से मैं आप सभी के साथ अपना एक डिवाइन एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। तो मैं एक एथलीट हूँ और एथलीट को अपनी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए नॉन वेज ईटिंग करनी पड़ती है। आज से 2 साल पहले मैं 7 days इन अ वीक 3 times a day नॉन वेज ईटिंग करता था। ना मैं ट्यूसडे का परहेज करता था, ना मैं एकादशी का परहेज करता था, ना ही मैं थर्सडे का और ना ही शनिवार का। मैं किसी भी दिन का परहेज नहीं करता था। जिस दिन घर पे नहीं बनता था उस दिन मैं नॉन वेज बाहर खा लेता था। बट हर वक्त मेरे घर पे घर वालों के साथ बहस होनी कि नॉन वेज छोड़ दे। बट मैंने नहीं छोड़ना, उल्टा उनके साथ बहुत ज़्यादा मिसबिहेव करना। बट मुझे आज तक यही समझ नहीं आ रहा था कि सभी मुझे नॉन वेज छोड़ने के लिए कहते क्यों हैं। इससे क्या होता है, हमारी कहीं ना कहीं फिजिकल बॉडी का फ़ायदा ही होता है। बट मैं ये समझ नहीं पा रहा था। और उस टाइम पीरियड में जब मैं नॉन वेज खाता था तो मेरा एंगर लेवल जो था ना वो भी बहुत ज़्यादा हो गया था। बट भगवत गीता पढ़ने के बाद, चैंटिंग करने के बाद मुझे समझ आया कि नॉन वेज ईटिंग हमारे लिए कभी बना ही नहीं था। साथ में ये हमारी बॉडी को तो इफ़ेक्ट करता ही है, साथ में हमारी मेंटल कॉन्शियसनेस पे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क डालता है, जो कि हमें दिखता ही नहीं है। बट फिर मेरे अंदर ये इच्छा आई कि अब नॉन वेज को लाइफ से बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे वेजिटेरियन फूड भी ऐसे हैं जिनसे हम अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हैं। बट नॉन वेज ईटिंग जब तक करेंगे तब तक हमारा मेंटल स्ट्रेस, एंगर लेवल हमेशा बढ़ा ही रहेगा, ये फैक्ट है। बट फिर जब मैंने सोचा कि अब नॉन वेज छोड़ दिया जाए तो मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी। बट जब मैं चलता गया भगवद गीता पढ़ता रहा, चैंटिंग करता रहा, तो एक विल पावर मेरे अंदर जो थी इंक्रीज होती गई। फिर मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना अब अपने आप को एक डेट दी जाए जिसके बाद हम कभी भी नॉन वेज नहीं खाएंगे। देन 21 May 2022 मैंने अपने आप को ये डेट दी थी। फिर जब उस डेट तक मैं पहुंचा, फिर मैंने झटके से अपनी लाइफ से नॉन वेज को बाहर निकाल दिया। और ये भगवान की ब्लेसिंग है कि आज तक मैं नॉन वेज को हाथ नहीं लगा पाया। और मैं प्रेयर्स करूँगा भगवान से कि आगे भी यही चलता रहे। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, न शास्त्र पर, न धन पर, न ही किसी युक्ति पर, हे प्रभु मेरा जीवन आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर।